दोस्तों स्वागत है आप सबका मेंटोक और एक एपिसोड में और लाइव आपके लिए मेडिकल दुनिया की बहुत सारी खबरें। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो अपडेट आ रहा है यार दोस्तों वर्किंग प्रोफेशनल्स के बारे में, ऐसे एक सर्वे ने शो किया है कि 30% वर्किंग प्रोफेशनल जो होते हैं वो यहाँ पे मेंटल और इमोशनल रिस्क से यहाँ पे गुजरते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि जब भी जितने भी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें स्ट्रेस की वजह से या फिर जॉब टेंशन की वजह से यहाँ पे एंग्जाइटी या फिर मेंटल हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम्स या फिर डिप्रेशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का वो शिकार हो जाते हैं। तो इसी के बारे में अपडेट आ रहा है कि यहाँ पे 30% वर्किंग प्रोफेशनल इसी स्टेज का यहाँ पे की वजह से गुजर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों दूसरा जो अपडेट है यार दोस्तों दिल्ली पोल्यूशन और यहाँ पे प्रैक्टो मेडिकल ऐप के बारे में। आपने शायद प्रैक्टो मेडिकल ऐप के बारे में पहले भी बहुत बार एडवर्टाइज सुनी होगी और एक बहुत ही अच्छा अपडेट आ रहा है कि प्रैक्टो ऐप जो है इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है फ्री मेडिकल यहाँ पे कंसल्टेशन। दिल्ली में आज की डेट में बहुत सारा पोल्यूशन है, उस वजह से बहुत सारे लोगों की हेल्थ के ऊपर रिस्क यहाँ पे आज की डेट में मंडरा रही है और इसके बारे में फाइट करने के लिए आने वाले दिनों में प्रैक्टो मेडिकल ऐप की मदद से डॉक्टर की कंसल्टेशन आपको फ्री में दी जाएगी, जो कि बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है दिल्ली के लोगों के लिए। यहाँ पर दोस्तों तीसरा जो अपडेट है यार दोस्तों सन फार्मा और एस्ट्राजेनेका कंपनी के बारे में। इन दोनों कंपनी ने यहाँ पे एक दूसरे के साथ टाइप करके एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करके यहाँ पे ऑनकोलॉजी प्रोडक्ट्स आने वाले दिनों में चाइना में लॉन्च करने का या फिर चाइना में इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हालांकि आप सब लोगों को पता होगा कि चाइना में कोई भी प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी मेडिसिन आप डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते। चाइना के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बाकी कंट्रीज के मार्केट को यहाँ पे चाइना में नहीं आने दिया जाता, लेकिन फिर भी एक बहुत बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे दोस्तों चौथा जो अपडेट है यार दोस्तों ट्विटर के बारे में। ट्विटर हालांकि इंडिया में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसे एक स्टडी ने शो किया है कि ट्विटर के ऊपर जो लोग ट्वीट करते हैं डिप्रेशन एंजाइटी इन सारी चीज़ों के बारे में, वो लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अकेले है या फिर वो लोनली है। हम सब लोग को शायद पता भी नहीं होगा कि हम सब लोग जितनी भी सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर करते हैं या फिर हो सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक इन सारी चीज़ों के ऊपर हम जिन भी चीज़ों का यहाँ पे पोस्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों का इफेक्ट आप सब लोग की हेल्थ के ऊपर या फिर हो सकते हैं आप सब लोग को टारगेट करने के लिए भी कई बार किया जाता है। हालांकि कई बार ये जो इफेक्ट है या फिर ये जो चीज़ है अच्छी चीज़ों के लिए अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन कई बार ये चीज़ यहाँ पे गलत भी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिप्रेशन वाले लोगों के लिए स्पेशली टारगेट किए जाते हैं। तो ऐसे चीज़ में यहाँ पे आने वाले दिनों में ट्विटर मदद से यहाँ पे बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों सबसे लास्ट जो अपडेट आ रहा है दोस्तों अंडरवेट किड्स के बारे में। महाराष्ट्र में ऐसा सर्वे किया है, इसके अंतर्गत यहाँ पे देखा गया कि सिर्फ 10% या फिर 10% से नीचे यहाँ पे जो रेट है अंडरवेट किड्स का यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट में आज की डेट में है, जो कि यहाँ पे सिविक स्कूल यानी गवर्नमेंट स्कूल्स और यहाँ पे गवर्नमेंट आंगनवाड़ीज में, जो कि बहुत अच्छी बात है। हालांकि कुछ स्टेट ऐसे है जहाँ पे अंडरवेट किड्स का जो रेट है बहुत ज़्यादा है, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट के बारे में बहुत अच्छी बात है। ये थे मेडिकल दुनिया के अपडेट। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आ गया, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में क्वेश्चन से कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।